अल्लाह की जमीन से मुझे क्या मिला? अब ये जो नीचे से गिरे वो मेरे हैं, मैंने नहीं देने। मैंने इनसे सारी ईदिया छीन लेनी है। ये मेरे आप भी अपने पैसे मेरे पास जमा कराएं, चलें। वो लाख रुपए किराया दे देना। आप मुझे पैसे दे, मैं आपको डबल करके दूंगी। मम्मा साला आपने पांच मैं लबड़ा ही नहीं। मम्मा डबल नहीं, वो लेस बन जाएगा। मैं गायब हो जाना। दुपट्टा उठाएं मुन्ने के अब्बा दूसरे देखती हैं आपको सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शीन्स व्लॉग। मैं हूँ आपकी अपनी शीन। नाम तो मेरा आपको पता चल ही गया होगा कि नहीं पता? अभी तक नाम नहीं पता मेरा? नहीं पता ना, थोड़े से लोगों को पता। अब मैं हर वीडियो में नाम भी बताया करूँगी। मैं आपकी शीन हूँ, शीन, ठीक है? बस शीन काफ़ी है। सीन, शीन, स्वाद, जवाद, बेसिक सही है, ये पता होने चाहिए आपको कि मैं शीन हूँ। तो वैसे तो मेरा नाम नौशीन है, लेकिन मैं शीन कहलवाना पसंद करती हूँ। अच्छा, आप छोड़ो इना गलन। तो आज मैं गई वॉक पे, मैं समझी क्या मिला बताऊँ? उफ अल्लाह, मैं बैठ लगाती हूँ कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। लोगों, तुम लोग देखने वाले हो कि दुनिया में क्या आने वाला है, दुनिया में क्या आने वाला है। मैं दिखाऊँ, मैं सुबह से मज़े ले लेके खा रही हूँ। आज मैं वॉक करने गई ना, तो पार्क में ये नज़र आ गए मुझे। मैं तो इनकी जानी दुश्मन हूँ। तो दिखाऊँ, 1 2 3 इतने खट्टे हैं, आया ना मुँह में पानी। अभी मैं इसके ऊपर नमक मिर्ची डाल के ना फिर खाऊंगी। जब हम मस्जिद जाते थे ना हम सारे बहन भाई मिलके, तो जब अम्बियों का सीजन आता था, कितनी छोटी मुन्नी सी छोटी छोटी अम्बियाँ, तो मेरी बारी होती, मैं दरख्तों पर चढ़ती थी। मैं क्योंकि लीडर थी उस वक्त, ठीक है? तो मैं सारे दरख्तों पे, लोकाट के दरख्तों पे, आम के दरख्तों पे मैंने चढ़ के सारी अम्बियाँ चोरी करनी होती थी, ऐसी वाली। फिर हम मस्जिद के बाहर बैठ के ना, सामने एक अंकल थे, उनकी दुकान से टाटी खरीदते थे और नमक मिर्चों की पुड़ियाँ हम घर से लेके जाते थे। फिर हम मिक्स करके ना उसके ऊपर काट के दांतों से तोड़ तोड़ के ना हम उसके ऊपर लगा लगा के फिर खाते थे। जब तक कारी साहब नहीं आते थे, हम सारे बाहर चस्के लगाते रहते थे। किसी मोहल्ले के दरख्त पे ना आम बड़ा होता ही नहीं था, बेचारा जवान होता ही था, वो बचपन में ही मारा जाता था मेरे हाथों। तो क्योंकि मैं लीडर थी हर गंदे काम की, तो मैं फिर सारे बच्चों को अपने पीछे लगा के रखती थी। तो आज मुझे ये नज़र आ गए आम, उफ़, मैं तो वॉक ही छोड़ दी, मैं वहीं खड़ी हो गई। ये देखो कितने प्यारे, मुझे तो अपना बचपन ही याद आ गया। मैं तो खड़ी होगी दरख्त के पास, मैंने तो इमरान कहा मैं तो चढ़ने के काबिल नहीं रही भाई, मैं तो ऊपर चढ़ी तो दरख्त तो टूट जाएगा, चढ़ो ऊपर तो मैंने तोड़ के दियो। फिर उछल उछल के बेचारे इमरान ने बंदर बन के, तो मैंने बड़ी सीट उठा के मारी इतने सारे आम इकट्ठे करके लाई हमने। मैंने इमरान को भी लगा दिया, मैं वो बंदा भी ख़राब कर देता अपना। वो भी सुबह से ना चस्के लगा लगा के, नाश्ते से पहले ही चस्के लगा रहे हैं, खा रहे हैं नमक लगा लगा के, कहते हैं यार ये तो बड़े मज़े के दांत इतने खट्टे हो गए ना मेरे, जब से मैं सुबह से इतने हम दोनों आम खा चुके, काफ़ी सारे हम लाए थे, अब तो ये थोड़े से रह गए। ये देखो, तो हम दोनों सुबह नाश्ता, हाँ फिर हमने क्या किया, बच्चों को छोड़ने गए ना स्कूल, जब हम वॉक करके सुबह सुबह वापस आए फजर के बाद, तो फिर हमने पहले ये खाए, तो उसके बाद हम बच्चों को छोड़ने गए और बच्चों को छोड़ने गए, फिर हमने नान चने खाए। हमारी हरकतें शुरू हो गई, फिर नान चने खा के जब हम वापस आए हमने फिर खाए नमक मिर्चें लगा के, काफ़ी सारे थे थोड़े रह गए, तो अब थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा चलो आज मैं चने बना रही हूँ, चने का सालन और चने चिकन का सालन, तो उसके साथ ये हरी चटनी बना लेती हूँ, इसकी बहुत अच्छी बनती है, इसकी कमाल की चटनी बनती है। इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना, इस तरह के कट करके ना, इसमें पुदीना डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी और ये अम्बियाँ डालूँगी काट के। तो मैं तो मज़े ले लेके खाती रहूँगी, आधे से ज़्यादा तो वैसे ही खा लिया हमने। तो ये जो मेरे जी है ना, जी को भी मैंने ख़राब कर दिया। जी जी से मुझे लतीफ़ा भी याद आया, ठहरो वो भी सुनाती हूँ तुम लोगों को। अभी मैं फिर नमक मिर्चें लगा के वो भी दिखाऊंगी तुम लोगों को, फिर देखना तुम्हें कितना मुंह में पानी आएगा।
जी से एक लतीफ़ा याद आया कि सिंधी फैमिलीज़ में या पहले ज़मानों में, पहले वक्तों में नाम ही ना लिया करती थी ख़वातीन अपने मर्दों के, सुना होगा काफ़ी लोगों ने, जी कहा करती थी, या मतलब नाम नहीं लेना, कुछ भी नाम नहीं लेना, बस कुछ भी हो जाए लेकिन नाम नहीं लेना, तो बदतमीज़ी समझा जाता था, हम सारे बदतमीज़। तो हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी ख़वातीन। वो एक खातून ने सामने वाली के घर में अपने वो बना के ना लस्सी, रस्सी जो रेड़ के रस्सी बनाते हैं वो, ऐसी ऐसी वाली क्या होती है, उसके अंदर लस्सी बना के दी, उसके ऊपर ना उसके मियाँ का, जिसने बना के दी उसके मियाँ का नाम था मक्खन। अब मियाँ का नाम नहीं लेना, मक्खन तो कहना ही नहीं। तो उसने मक्खन, तो उसने मक्खन का पेड़ा लस्सी के ऊपर डाला और अपनी सामने वाली को देने गई है, लो जी मैं तुम्हारे लिए लस्सी लाई हूँ। उसने कहा ये मक्खन के ऊपर क्या है, सामने वाली ने कहा ये मक्खन के ऊपर क्या है। अब वो शर्माए कि मैं क्या ना करूँ, मैं मियाँ का नाम कैसे लूँ, उसके ऊपर तो मक्खन पड़ा हुआ, मक्खन तो उसके मियाँ का नाम था। तो अब वो दुपट्टा उठाए मुन्ने के अब्बा दूसरी वाली कह रही है ये लस्सी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो शर्मा के कह रही मुन्ने के अब्बा। तो मुन्ने के अब्बा को मैंने चढ़ाया दरख्त पे, और सुबह मुन्ने के अब्बा सही इन एक्शन थे, ज़िंदगी में इन्होंने ये काम नहीं किए कभी जो मैं इनसे अब करवा रही हूँ मानते हो ना, फिर करना पड़ता, की करिए, गुजारा नहीं है, शराफत का ज़माना नहीं, तुम भी हो जाओ तेज सारे। आ गया भाई आ गया, ये देखो मैं क्या खाने लगा हूँ, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। ओ हाँ इससे मज़ेदार कोई दुनिया में डिश ही नहीं है ये लो जी चटनी भी बन गई है, चाट के देखो, ये भी उतनी ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी। हाँ जी, फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस आज दरख्त पे चढ़ने का? दरख्त पे चढ़ने का मैंने बता दिया सबको कि आज आप दरख्त पे चढ़ के और अंबिया तोड़ रहे थे बचपन में किए ये हरकतें कभी? नहीं, अब फील हो रहा कैसे, अच्छा फील हो रहा होगा बहुत, है ना? मैंने कहा कोई और चढ़ेगा तो इतना वजन हो जाएगा कि वो नीचे। हाँ जी, ये मैं बता चुकी हूँ, अटैक होना था वापसी मेरे पे ये मैं बता चुकी हूँ ना, यही हर ये मैंने पहले कहा था, मैं चढ़ी तो दरख्त टूट जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही चढ़ जाता हूँ। हाँ, आराम से एक पतली कमर, पतली सीना, पतली कमर के आगे ये क्या लगा हुआ, ये क्या, ये जो भी मुर्गा बन गया आपने अंदर कर लिया, छोड़े जरा इसको ढीला। तो चस्के ले लेके खा भी तो रहे थे ना सुबह से, नमक मिर्चे लगा लगा के खा रहे थे। चार अंबिया खाई, चार इतनी बड़ी बड़ी, सारी बड़ी बड़ी खा गए आप, चुन्नी मुन्नी रह गई थी, मैंने चटनी बना ली आज मैं नहीं लेने गई बच्चों को आज पापा घर पे ही थे तो मैंने कहा चलो जाओ लेके आओ, मैं नहीं जाना, बहुत गर्मी है, टिकॉक के सुनना, बड़ी सक्सन की गर्मी है, अभी देखना मैं बच्चों को जलाऊंगी, आएंगे बाहर से जले भुने में, उनको होता है कि बस मामा लेने आया करें, अभी आएंगे दोनों, एंटर होंगे ना, एंट्री देंगे जब, वहाँ से देखना आप क्यों नहीं आएंगे लेने के लिए। सुबह भी मुझे घसीट के साथ लेके जाते हैं, चाहे पापा भी छोड़ने जाए ना, फिर भी उन्होंने साथ ही जाना, और आप साथ जाएंगी। मैं भी कहूँ इतनी देर से क्यों आए, पार्टी करते हुए आ रहे थे, तरबूज और आइसक्रीमें और जले भुने हुए बच्चे, और अभी सफाइयाँ होनी है हमारी, इतने सारे तरबूज आए पापा, सलाम तो कर लो। अच्छा बच्चों, मैं तुम दोनों की ईदियाँ छीनूंगी आज, देखना कैसे जले भुनेंगे, फिर अब गई है वो अपनी ईदी छुपाने, मुझे इस घर में हर कोना पता है जहाँ तुम ईदी छुपा सकती हो, जी हाँ मैं वहाँ से निकाल लूँगी, इससे बड़ा लोटा नहीं मिला था पानी पीने के लिए। बेटे आप भी अपनी ईदी मुझे दे दें, ठीक है, डोरे बन जाएंगे बच्चे। हाँ जी, कैसा रहा दिन? ओ आलू खान हेलो, कैसा रहा दिन? आते टूसे हुए आ रहे हैं, आइसक्रीमें बाहर, गर्मी थी हैं। अच्छा मेरी बड़ी ज़रूरी बात है ना, उन्हें आज प्यारा सा ऐलान करना है कि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ईदी जमा हो गई है, तो वो मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे लिए ना अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँ, मैं चीज़ दिखाऊँ आपको
हाँ इतना माल इन्होंने इकट्ठा किया, ये देखो माशाल्लाह। बिना दिखाना से तुम पकड़ा हुआ। मैं थूक लगा के गिन गिन के दूंगी ना पापा, आप ही दे, आपको भी मैं ना नोट डबल करके एक ये वाला दिखाए ना, छोड़ दे ये एक तो, इनको हर चीज का पता रख दे मेरा भाई। दिखाओ, ये सारे नहीं दिखाते, दिखाओ तो सही, मामा छीन लेती है। इन्होंने मेरा सारा मेकअप बर्बाद कर दिया, मैंने इनको कहा दी तो मैं तुम लोगों के लिए मेकअप लेके आऊंगी, ठीक अच्छा, है ना? दूं मामा? हाँ 6,000 दे दो, यार इनको कहीं सारा, ये सारे ना पैसे खा जाएंगे, देख 100 रुपए दी मैं ना कालक लेके आनी कोला मल लेके, इनसे बोले ईदी मुझे आधी दे दे आधी आधी, तो मैं इनको अच्छा अच्छा मेकअप ला के दूंगी। इन्होंने मेरा सारा मेकअप बर्बाद कर दिया इन दोनों लड़कियों ने मिलके, ठीक है बेटी प्यारी सी बच्ची अपना बर्थडे लेके आओ, ये भी दे दे, चलो जाओ मेरा बेटा कपड़े बदलो, और ईदी वाला ना ये बैग मुझे दे दो, ईदी वाला बैग मुझे दे दो, मैंने इनसे सारी ईदी आज छीन लेनी है, ये मैंने आज कलिया करके रखा हुआ है। सुना सुनो, पापा ना हमारी लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड करने चाह रहे, फिर मैंने इनको बताया कि वो फोन पिक्चर मोड में थे। पापा इतनी क्लासिक किस्म की ना हमीद पे कह रहे हैं पिक्चर ले लें, ये करो ऊपर, उसके बाद कुछ भी नहीं बना, बना ही कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बना, उधर पापा अपने एंगल बदल रहे होते हैं, हम ही खड़े होते हैं। बात खत्म हो गई। अल्लाह की जमीन से मुझे क्या मिला, आए इतनी जल्दी में अपना पर्स पैक करके गई है कि पैसे यही उसके उड़ते फिर रहे हैं, अभी आई मुझे अल्लाह की जमीन से चीज मिली है, मैं वापस नहीं दूंगी। अब ये जो नीचे से गिरे वो मेरे हैं, मैंने नहीं देने, चलो जाओ। अल्लाह की जमीन से नहीं मेरे पैसे से निकले, अल्लाह की जमीन से नहीं मेरे पर्स से निकले। अच्छा चलो कपड़े बदलो जल्दी करो, वो भी एक और चीज आई है, ये तो ऐसे मिल रहा है जैसे बिछड़ा हुआ, लंदन से इनकी फ्लाइट आई है 10 साल बाद, ऐसे चिपका हुआ उसको। हेलो जी, सारे पैसे निकाल के ले गए, मैं भी काट के ले आने सारी ऐसी गुबार दे, जरा अजीब वो गरीब आंटी कहाँ पड़ी हुई है, मैं बहरी हो चुकी हूँ, तो आज गर्मी बड़ी शदीद है, मैंने इनका ना मेकअप लेके आना है, मैं शायद जाऊँगी बाहर, उसका मैं दूसरा व्लॉग बनाऊँगी, तो मेरा ख्याल है कि बस यहाँ पे ना हम व्लॉग को एंड कर लेते हैं, पापा बेहोश होने वाले हैं। पापा बच्चों को लेके आए हैं कि बाहर क्या क्या हल चला के आए हैं, बेहोश पड़े हैं, पता चला मैं कितनी गर्मी में बाहर जाती हूँ बच्चों को लेने। तो बस जी अब आज बच्चों की, ये मेरा टारगेट है कि मैंने बच्चों की सारी ईदी वापस ले लेनी है, सारी तो मैं कभी भी नहीं लेती है ना, मैं आपकी ईदी नहीं ना लेती, सच बोलना, नहीं तो मैंने सारी ले लेनी है तुम्हारी। 8,000 लेना, 8-10,000 तो है ना, मैं कह रही हूँ आधी आधी दे दो, आधे आधे पैसे दो, प्यारा सा मेकअप लाऊंगी, इन्होंने मेरा सारा मेकअप बर्बाद, अपना मेकअप होगा ना तो फिर ये बर्बाद नहीं करेंगी, ठीक है ना, ठीक है बेटे, ठीक है बच्ची, ठीक है चलो जाओ लेके आओ 5,000-6,000 रुपया, 2,500 की तो एक होती है वो मलने वाली। चलो भाई व्लॉग खत्म होने वाला है, ये देखो मामा अल्लाह की जमीन से खाली पर्स में, अल्लाह की जमीन को मामा से, मामा को ना खाली पर्स मिला क्योंकि इसमें पैसे। तो बेटे मुझे हर जगह पता है तुम कहाँ छुपा सकती हो, मैं निकाल के ले आऊंगी और नीचे जमीन पे गिरा के दिखा लूंगी। मेरी शरीफ बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी शरीफ लड़की है, बहुत प्यारी, जाओ पैसे लेके आओ मामा को दे दो, आप ही अपने पैसे मेरे पास जमा कराएं, चलें हाँ वो 1,00,000 रुपया किराया दे देना, आप मुझे पैसे दे मैं आपको डबल करके दूंगी। मामा साला आपने 5 मैं लबड़ा ही नहीं, मामा डबल नहीं वो लेस बन जाए, मैं गायब हो जाना। अच्छा जी, तो अब मैं बच्चों से ज़रा पैसे छीनने का प्रोसेस शुरू करने लगी हूँ, तो व्लॉग बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों के चेहरों पे छोटी सी स्माइल आ जाए, अगर कोई कुछ पीछे हो जाए। आज आमना ने पूछा था, आमना तुम मेरी मामा की वीडियो नहीं देखी, चल बड़ी इन्फॉर्मेशन दी तुमने, भाग यहाँ से। तो व्लॉग का मकसद ये होता है कि आप लोग थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा खुश हो जाएं और आपके चेहरों पे स्माइल आ जाए, यही हमारा मकसद होता है। अल्लाह बड़ी लक्ष्मी निकाल रही है यार। अच्छा भाई जल्दी जल्दी बाय बाय कर लो, मैं बच्चों से जरा पैसे छीन लूँ ईदी के, वरना ये सारे खा जाएंगे दराज से, गंदी गंदी चीज़ें 2-2 रुपये वाली ना, 1,000-1,000 की मंगवा के उन्होंने सारे पैसे बर्बाद कर देने, तो इसलिए मेरे बच्चे मुझे पैसे देने लगे, दे दो जल्दी बेबीस, हरियाप। तो मैं इनका मेकअप लेके आऊंगी, और कौन सा मेकअप आए हैं वो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे क्या लेके आए, ठीक है। ओके बाय, चाहिए नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी मेरा बर्बाद करते हुए इनकी।
ब्लॉग खत्म हो गया, टाटा मम्मा।